हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HVAC एंड इलेक्ट्रिकल में। मैं विष्णु सोनी स्वागत करता हूं आपका। और आइए, आज मैं आपको ट्रांसफार्मर की प्लेट के बारे में बताने वाला हूं कि ट्रांसफार्मर की प्लेट पे क्या क्या लिखा होता है और उसे हम कैसे कैसे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। तो ये हमारी जो प्लेट लगी हुई है, ये हमारे पास उत्तम कंपनी का ट्रांसफार्मर है। और ये जो इसके अंदर ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास KVA, मतलब कितने KVA का ट्रांसफार्मर है। ये है हमारे पास 1000 KVA का ट्रांसफार्मर। ये लिखा है वोल्टेज AT, मतलब हम AT HV, मतलब हम जो इसका इनपुट है वो हमारे पास 11000 वोल्टेज का है। और जो नो लोड, मतलब विदाउट लोड, जो ये LV लो वोल्टेज जो देगा, आउटपुट जिसे हम बोलते हैं, वो 433 है, 433 वोल्टेज। ठीक है, तो हम इसे कितने किलोवाट तक यूज़ करते हैं, जो इसका इनपुट है वो 75/28 का होगा और जो ये हमें देगा वो है 3 फेज का। और जो एम्पेयर्स हैं इसके, जो इसके इनपुट पे हो गए वो 52.49, ये हाई एम्पेयर है। और जो आउटपुट पे ये होगा LV पे, तो ये 1333.37 होगा। और ये फ्रीक्वेंसी है इसकी 50 हर्ट्ज। और ये लिखा है इसके ऊपर वेक्टर ग्रुप, तो ये लिखा है इस पर DYN11, तो इसका मतलब है डेल्टा और स्टार। जो N से है वो है न्यूट्रल, G ग्राउंड, मतलब जो एक जो इसके अंदर होगा, जो पहला है डेल्टा के अंदर है, फिर स्टार में है, और N मतलब ग्राउंड, जिसे हम नीचे ग्राउंड करते हैं, अर्थिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो और इसके बाद में ये टैपिंग, जो टैपिंग का बताया हुआ है, ये है OLTC इसके अंदर। और ये हम अगर इसको मैक्सिमम लोड पर चलाएंगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो ये मतलब हमारे 3000 वाट का लॉसेस करेगा अगर 50% लोड पे चलाएंगे तो। अगर मैक्सिमम, अगर हम इसे 100% यूज़ करते हैं तो ये हमारा 9000 वाट को जो है जो लॉसेस दिखाएगा। ठीक है, तो ये टाइप ऑफ कूलिंग, मतलब ये कौन से टाइप का है हमारे पास, ये है ONAN, मतलब ऑयल नेचुरल और एयर नेचुरल टाइप है। ये 4 टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं हमारे पास। ONSF भी आता है, जो कि ऑयल नेचुरल एयर और फॉरेस्ट टाइप। ठीक है, और एक आता है हमारे पास OFAN, मतलब ऑयल फॉरेस्ट और एयर नेचुरल टाइप। ठीक है, और एक आता है हमारे पास OFAN, मतलब ऑयल फर्स्ट एयर फर्स्ट। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के हमारे पास ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आगे लिखा है, ये है टेम्परेचर इन राइस इन ऑयल, मतलब ऑयल का जो टेम्परेचर है उसके बारे में। और ये जो टेम्परेचर नीचे जो दे रखा है वाइंडिंग का है, कि वाइंडिंग हम कितने तक यूज़ कर सकते हैं। फिर ये मास ऑफ ऑयल, मतलब ऑयल टाइप नंबर, और नीचे ये वॉल्यूम ऑफ ऑयल, मतलब हम इसके अंदर कितना ऑयल डाल सकते हैं, वो है 1280 लीटर। और वाइंडिंग जो मटेरियल है वो है कॉपर का। मंथ ऑफ, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये 2017। तो ये सब आता है प्लेट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो हैं जो कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।